भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बताया कि भारत उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। गार्सेटी का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें बताया कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो हमारे दोनों देशों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा है। अमेरिका में 6% करदाता भारतीय अमेरिकी है। अमेरिकी राजदूत ने कहा, तकनीक से लेकर व्यापार तक, पर्यावरण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, छोटे व्यवसायों से लेकर अंतरिक्ष तक, हम कहा करते थे कि आकाश ही सीमा है, लेकिन अब जब अंतरिक्ष में एक साथ हम काम कर रहे हैं, तो अब आकाश भी सीमा नहीं है। समुद्र तल से लेकर आकाश तक अमेरिका और भारत अच्छाई की ताकत है और इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली ताकत है। The most important country in the world to me. I think something that no American president has ever uttered in the history of our two countries. The US and India are a force for good and a powerful force to move this world forward. 4 million people who represent 1% of the population of America are now 6% of the tax base. The universe has a curious way of connecting people and dreams. And now suddenly I'm living that dream here when भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1969 में लॉन्च होने के बाद से कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसरो की उपलब्धियां अपने वैश्विक साथियों से मेल खाती है और हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। लागत प्रभावी मिशनों के साथ इसरो ने अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए भी उत्कृष्ट मानक बनाए। इसरो ने अपने विजन, मिशन और उद्देश्यों का पूरा करने के लिए 3 नैनो सैटेलाइट, 1 माइक्रो सैटेलाइट सहित लगभग 668 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा इसरो ने 2014 में इतिहास रचा, भारत अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। 2015 में इसरो द्वारा सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन शुरू किया गया था, जहां उन्होंने 1440 किलोग्राम भार लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 2008 में पहला चंद्र मिशन सफल माना गया क्योंकि इसने अपने नियोजित उद्देश्य का 95% हासिल किया। नागपंचमी के अवसर पर बिहार के मोतिहारी जिले में महावीरी यात्रा दौरान दो समूह के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक सोमवार को हुई झड़प में पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जुलूस पीपरा गांव से पछियारी टोला जा रहा था। इस घटना में दरपा थाना के प्रभारी धर्मेंद्र यादव भी घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी के SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। मौके का SDO और SDPO ने निरीक्षण किया है। मौके पर मैजिस्ट्रेट और अतिरिक्त बल तैनात है और स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महावीरी झंडा में पीपरा गाँव में दरपा थाना अंतर्गत वहाँ झड़प हुई थी। इसके अतिरिक्त कल्याणपुर और मेथी में भी साधारण झड़प की बातें आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है तीनों मामलों में और घटनास्थल का SDO SDPO द्वारा विजिट किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है और शांति समिति की बैठक भी की है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हम लोग लगातार वहाँ पर निगरानी रखे होंगे। सर, वजह क्या था? और एक जगह जो बातें प्रकाश में आई, कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा था तो, और दूसरा में बताया जा रहा था कि रास्ते किसी विवाद को लेकर, लेकिन तत्काल उस पर काबू पाया गया है। दोनों पक्ष के लोगों को हम लोग शांति समिति में बुलाए भी हुए हैं। जो इसमें शरारती तत्व हैं उन्हें चिन्हित करके हमारे पास वीडियो भी आया हुआ है, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
चंद्रयान 3 मिशन की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये देश और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा, आज दुनिया में डंका बजा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन तो है, लेकिन कल चंद्रयान 3 भी लॉन्च लैंड होने वाला है चंद्रमा में, किस तरह से देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, इसको कितना बड़े अचीवमेंट मानते हैं देश के लिए? देश के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई, इसके लिए दिल शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक चीज़ कि आप जा रहे हैं सरगुजा और 5 संभागों में आपका कार्यक्रम युवाओं के साथ इंटरेक्शन का है। इससे पहले आपने विधानसभा वाइस किया, अब आगे क्या प्लान है? अभी संकल्प शिविर चल रहा है, शुरू हो गया। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की जनता ने राज्य में कांग्रेस सरकार को हटाने का फैसला कर लिया है। एनआई से बात करते हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, अशोक गहलोत 2018 में जो विजन रखा था वो हमने देखा। यहाँ युवा बेरोजगार है, महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह से सरकार ने किसानों को धोखा दिया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राजस्थान की जनता ने इस बार गहलोत सरकार को राज्य से हटाने का फैसला कर लिया है। विजन 2020 शुभारंभ कराया है, उसके ऊपर कार्यक्रम हुआ, बड़ा मेगा सवाल है, किस तरह देखते हैं चुनाव में उचित होने वाली आचार संहिता में सवाल नहीं। देखिए, जो विजन उन्होंने 2018 में रखा था वो विजन तो हमने देख लिया, राजस्थान की बदहाली हम सब ने झेली है, चाहे युवा वर्ग हो जिसके पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं को नुकसान हुआ, जो ये भ्रमित कर रहे थे हम नौकरियां देंगे ये। राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के महुआ मंडावर सड़क राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार से आ रही कोल्ड ड्रिंक से भरी मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी जीप के ऊपर पलट गई। जीप में एक दर्जन से अधिक लोग यात्रा कर रहे थे। ट्रक की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों की चीख पुकार सुनकर मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। हादसा इतना भीषण था कि कई लोग क्षतिग्रस्त जीप में फंस गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर मंडावर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाई। डॉक्टर ने सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की। घायल हुए 11 लोगों में से 3 की हालत नाजुक है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मृतकों के शवों को महुआ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चुरी में रखवा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी और दौसा SP वंदिता राणा भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट के लिए और ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ वैश्विक विकास पर विचार विमर्श करने के लिए जोहान्सबर्ग के समर प्लेस पहुंचे। ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में भाग लेने के लिए पहुंचे ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने समर प्लेस में ग्रुप फोटो के लिए पोज दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने समर प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी देश के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग पहुंचे। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में बात की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की। एनआई से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, कानून व्यवस्था की कमी के कारण बिहार में आतंक है, दलित अधिकारियों की हत्या हो रही है। हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा।
बिहार की जनता उन्हें बेनकाब करने के लिए समय का इंतजार कर रही है। बीजेपी दलितों को सबसे ज्यादा सम्मान देती है, उनका काम सिर्फ दिखावा है, लेकिन हम जमीन पर काम करते हैं। जो दिखावा के लिए राजनीति करते हैं उन्हें करने दीजिए, बिहार के लोग उन्हें बेनकाब करने का इंतजार कर रहे हैं। थानाबाद में अमीन को कान पर पिस्तौल लगा कर कहता है कि मेरे अनुसार तुम टाइटल बनाओ तो एक खौफ का राज है। मैंने किसकी बात की, जिनके पास ताकत है, रसूख है, वो भी डरे हुए हैं। अगर मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में गोली चलती है, लोग जान बचाकर भागते हैं, ये खौफ का राज है। और नागपंचमी के दिन बगहा में और बाकी जगह हमला होता है और पत्थरों छत से पत्थर फेंके जाते हैं हरे झंडे के साथ, तो तुष्टिकरण भी है, खौफ का राज है। नीतीश बाबू 5 से 10 तो आप संभाले हुए थे, हम लोग के साथ थे, इन लोगों का कन्विक्शन भी हुआ था, अब क्या हो गया है? तो इसलिए हो रहा है कि जो अपराधी हैं वो मालूम है कि उनके आका सरकार में बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण है, पुलिस मजबूर है, यही पुलिस पहले कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? एक दलित आपका पुलिस अफसर मारा जाता है, क्या होता है? अब तो लालू प्रसाद के समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं ना, ये क्या हो गया है बिहार में? नीतीश बाबू देश बाद में संभालिएगा, तो संभलेगा नहीं, वहां वैकेंसी भी नहीं है आपके लिए, बिहार तो संभालिए। वो तो 24 में लोकसभा में क्या होने वाला है और 25 के विधानसभा में हमें मालूम है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने एनआई से बात करते हुए राज्य में हो रही प्राकृतिक आपदाओं और उससे होने वाले नुकसान पर बात की। उन्होंने कहा कि अब तक 348 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि मानवीय क्षति की बात करें तो अब तक 348 लोग मारे गए हैं और 300 से अधिक लोग घायल हैं। आईएमडी का अलर्ट 10 जिलों में जारी किया गया है। मौसम सामान्य होने पर तलाशी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। भारी बारिश और भूस्खलन के बावजूद सेफ बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने कहा इस बात की जांच हो रही है कि इतनी अधिक बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। नदी तल के बारे में हमारे पास जानकारी है कि नदी तल पर खनन के कारण आपदाएं आई हैं, बल्कि नदी तल पर बहुत सारी सामग्री जमा होने के कारण भी आपदाएं आई हैं। अभी तक ह्यूमन लॉस की बात करें तो 348 लोगों ने अभी तक जान गुमाई है और 38 के करीब अभी लोग जो है मिसिंग भी है और करीब करीब 300 से ऊपर जो लोग हैं इंजर्ड भी हैं। तो इसी तरह से आईएमडी का जो अभी अलर्ट है 72 घंटों के लिए, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर 10 डिस्ट्रिक्टों में ये अलर्ट जारी है। और जो सर्च ऑपरेशन शिमला में चल रहा था टेम्परेरीली उसको रोक दिया गया है रेन की वजह से, क्या स्टिल? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इस बीच जहां देश के ज्यादातर जगह पर मंदिरों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना और पाठ हुए, वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने लखनऊ के हजरत शाह मीना शाह दरगाह पहुंचे और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी और कहा देश के सभी लोग चंद्रयान 3 के लिए उत्साहित है और इसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी इसकी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये देश के लिए गर्व का क्षण होगा।